वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 82 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन या फिर ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। वेल तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपरली। सबसे पहले मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंस में आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग में आता है। दूसरी बात ये कि यदि सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, इट मीन्स ही सी इट कोई भी एक नाम जैसे कि राम श्याम मोहन सोहन या फिर माय फ्रेंड योर सिस्टर हिज ब्रदर इस तरह का कोई भी हो, तब इसके साथ आप डज नॉट प्रयोग करेंगे और अन्य जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आपको डू नॉट प्रयोग करना है। ठीक है, अब पहला सेंटेंस है मैं नहीं खाता हूं, क्या हो जाएगा आई डू नॉट ईट। मैं आम नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। हम लोग नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम लोग काम नहीं करते हैं, वी डू नॉट वर्क। तुम नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक। तुम दूध नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क। तुम दूध नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क। आप प्यार नहीं करते हैं, यू डू नॉट लव। आप मुझे प्यार नहीं करते हैं, यू डू नॉट लव मी। वह नहीं पढ़ती है, सबसे पहली बात वह यदि स्त्री के लिए प्रयोग में आता है तो सी लिखते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज नॉट प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वह नहीं पढ़ती है, क्या हो जाएगा सी डज नॉट रीड। वह रात में नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड एट नाइट। वह रात में नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड एट नाइट। राम नहीं जाता है, कोई भी एक नाम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है, राम नहीं जाता है, राम डज नॉट गो। राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट
गो टू मार्केट। वे लोग नेपाल में नहीं रहते हैं। दे डू नॉट लिव इन नेपाल। बिल्ली घास नहीं खाती है। द कैट डज नॉट ईट ग्रास। देखो सबसे पहली बात, कैट क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द प्रयोग किया जाता है पूरी जाति का बोध कराने के लिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जैसे कि द कैट हो गया, द बॉय हो गया, द गर्ल हो गया, ये सभी भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनके साथ मैंने डज नॉट प्रयोग किया, ठीक है। बिल्ली घास नहीं खाती है, द कैट डज नॉट ईट ग्रास। मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं। आई डू नॉट नो इंग्लिश। तुम उसे नहीं जानते हो। यू डू नॉट नो हिम। तुम उसे नहीं जानते हो। यू डू नॉट नो हिम।